माता की। बंद रहा बिल्कुल, उनके सामने जो है हमारे शख्स होंगे और यहाँ पे ऑर्डर करके फिर हमारा जो सिटिंग हमने ऊपर रखा हुआ है हमारे जो है और प्रिपरेशन बिल्कुल ओपन रहेगी ताकि कस्टमर को भी लगे कि किस हाइजीन में हर तरीके से हम जो है प्रिकॉशनिंग लेके और प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल ओपन जो है सामने रखा हुआ है। बहुत अच्छा। दिल्ली चाय कॉफ़ी फ्रेंचाइजी यहाँ आज खुली है और हमारे ब्रजेश भारद्वाज जी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। मोदी साहब ने यह आह्वान किया था कि वोकल फॉर लोकल, उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रजेश जी उस आह्वान का पालन करते हुए यहाँ इन्होंने फ्रेंचाइजी ये खोली है और आप देख रहे हैं इसके साथ में पार्क भी है बहुत बड़ा। लेकिन कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ लोग क्वालिटी बेस्ड फूड आइटम्स का स्पेशली चाय और बाकी स्नैक्स उसका लुत्फ उठा सकें। इनके इस इनिशिएटिव से सभी लोगों का ये एक ऐसी जगह उनको उपलब्ध होगी जहाँ उनको क्वालिटी के साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो भी देखने को मिलेगी। हम सब ने यहाँ टेस्ट किए हैं, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी टेस्टी हैं और सबको मैं ये आह्वान करता हूँ कि जो भी आए यहाँ एक बार इनके पास आकर यहाँ इनके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें और इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा है, कंफर्ट का, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, क्वालिटी का और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ओपन किचन नीचे रखा है जहाँ आप स्वयं ये देख सकते हैं कि प्रेपरेशंस कैसे हो रही है। पहले ऐसे इनिशिएटिव और एंटरप्रेन्योर्स आगे आने चाहिए और इसमें समाज में अच्छा मैसेज आता है और इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये जो हमारा पहला आउटलेट है दिल्ली चाय कैफ़े का जो हमने ओपन किया है, आजकल जैसे हर एक एज ग्रुप की ये डिमांड है कि हर किसी को एक ऐसे कैफ़ेज चाहिए जहाँ पे वो उनकी प्राइवेसी हो, वो कंफर्ट जोन में बैठ सकें, तो हमें हमारी भी यही कोशिश है। और आजकल टी लवर इतने हैं कि हमने चाहा कि कुछ जम्मू में इस तरह का एक वेंचर स्टार्ट किया जाए। हमारे यहाँ पे ना 50 से भी ज़्यादा की आपको डिफरेंट फ्लेवर्स की आपको टी मिलेगी जो कि आपकी मिल्क बेस्ड टी हैं, आपकी ऑर्गेनिक हैं, प्रीमियम रेंज में है, तो जिसको जिस हिसाब से होगा। और हमारा कॉन्टिनेंटल पूरा इसका रेंज है जिसमें कि आपको पूरा फूड जो है आइटम्स मिलेंगी और हमने यहाँ पे बाकी पार्टीज़ की भी व्यवस्था कर रखी है, जैसे किटीज पार्टीज़ हैं, कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे एरिया के लोगों को इसका लाभ हो। इसका प्रॉपर लोकेशन बता दीजिए। ये हमारा लोअर रूपनगर में है जहाँ पे वितात्सा नर्सिंग होम है, उसी बिल्डिंग में ये लोकेट है। ठीक है। दिल्ली चाय कैफ़े बेसिकली दिल्ली बेस्ड कैफ़े फ्रेंचाइजी चेन है और अगर आप सबसे पहले स्पेशलिटी जानना चाहते हैं तो टी हमारी स्पेशलिटी है। हमारे मेन्यू में आपको 50 से ज़्यादा वैरायटी की चाय मिलेगी और चाय को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक सेक्शन है उन लोगों के लिए जो मिल्क बेस्ड टी पसंद करते हैं जिसमें तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, सौंफ, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जिन्हें आप हमारे साथ ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 और डिफरेंट सेक्शन है जो टी पर बेस्ड है। एक सेक्शन है ऑर्गेनिक टीज का जिसमें हमने फ्लेवर टीज का काफ़ी बड़ा मेन्यू ऑफर किया है जिसमें आपका स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, लीची, बनाना, पान, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अगर आप अपने आप को एक्चुअली चाय लवर कहते हैं तो आप आइए हमारे कैफे पेन को ट्राई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम बोथ दी सेक्शंस वी हैव अनदर सेक्शन विद द नेम ऑफ प्रीमियम टी चायज। सो इसके अंदर वो सारी टीज हैं जो एक तरह से हर्ब्स का काम भी करती हैं, लाइक कैमोमाइल टी, जैस्मिन टी, अर्ल ग्रे, वाइट टी, कश्मीरी कहवा। तो ये वो टी ब्लेंड है जो आपको टेस्ट और फ्लेवर के अलावा आपकी हेल्थ को भी काफी सारे तरह के बेनिफिट देते हैं। तो ये जो आपकी चाय है ये आपका जो बनाने का तरीका वो आपके अपने ही स्टाफ के लोग रहते हैं या कोई भी इसको बना सकता है? देखिए टीज में अगर हम सबसे पहले जानना चाहें तो इंग्रेडिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टी इंडिया का सबसे कॉमन बेवरेजेस है, हम अपने घरों में कंज्यूम करते हैं, हम कैफेज में कंज्यूम करते हैं, ऑफिस में कंज्यूम करते हैं। सो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंग्रेडिएंट्स किस तरह का है। सो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे इनहाउस ब्लेंड हैं।
जो आपको यूजली मार्केट में आसानी से मिलेंगे भी नहीं। सो उनको हमने नेचर के फॉर्म में प्रोक्योर किया है, उसके बाद उसमें फ्लेवर्स को ऐड किया है और उसके बाद कस्टमर्स को हमने एक वाइड वैरायटी ऑफर की है। सो ये जितना भी प्रोडक्ट हमारे पास मेन्यू में है, स्पेशली टीज, सारा का सारा फ्रेश प्रिपरेशन के साथ अवेलेबल है। ऑल आर लाइक फ्रेशली प्रिपेयर्ड, सो जिसका फ्लेवर, जिसका टेस्ट, जिसका स्मेल आप पियेंगे तो ही आपको पता चलेगा। कितने तरह के फ्लेवर्स हैं आपके पास? 10 तरह के फ्लेवर्स हैं चाय में। और प्रीमियम और नॉर्मल क्या है, क्या यहाँ पे क्या वेरिएंट है? प्रीमियम और ये ग्रीन टी, और जैसे प्रीमियम ग्रीन टी में विस्की, रम, वोडका, ये सब चीज़ें। अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक सेहत के लिए देखा जाए, सेहत के लिए आप इनके पास चाय की वेराइटीज़ हैं। तो